हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनू सिंह एंड यू आर वाचिंग टर्नोबोगुड चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इस टाइप का बैनर आप कैसे बना सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और काफी इजी है, अपने फोन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले आपको अपने पिक्सेल ऐप ओपन कर लेना है और ये इसे टेक्स्ट को डिलीट करके यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके सबसे पहले इसका इमेज साइज को सेट करेंगे 2560 में रखेंगे इसको 423। ठीक है, इमेज साइज को ये रखेंगे और इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है आपको। ठीक है, और यहाँ से आप इसके फ्रॉम गैलरी से अपना जो भी बैकग्राउंड ले सकते हो। मैंने गूगल से डाउनलोड करा था, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। या होने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके गैलरी से दोबारा से हम उसको लेंगे और यहाँ से इसको हम सेट कर लेंगे बॉक्स साइज में, यानी 1:1 पे हम ले लेंगे इसको। ठीक है, और इसको ले लेते हैं और यहाँ से इसको नीचे में आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा रोटेट का, इसको रोटेट करेंगे 45 डिग्री पे। तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है और इसके बाद इसका शैडो एनेबल कर देंगे, अब रेडियस को पूरा फुल कर देंगे और इसका जो स्ट्रोक है उसको भी हम एक बार एनेबल कर देंगे। इसको एक बार हम इसको पहले यहाँ पे सेट कर लेते हैं और इसके बाद आप इसको सेंटर पे लेके आ जाओगे कुछ इस वाले ऑप्शन से, यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। इसको एक बार हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा इसके पीछे लगा देंगे और इसका हम कलर चेंज करेंगे। कलर रखेंगे हम वाइट, पहले तो इसको सेंटर में ले आ जाते हैं और उसके बाद इसका कलर हम चेंज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है कलर, अभी रेड है, अभी इसको हम वाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, वाइट कलर ले लेंगे और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 80 पे हम इसको सेट कर देंगे, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। अभी इसके बाद इन दोनों को हम मर्ज कर लेंगे और इस वाले ऑप्शन से इसको मर्ज कर सकते हैं, यहाँ से मर्ज हो जाता है। और इसको मर्ज करने के बाद इसका एक कॉपी और कर लेंगे, इसके जस्ट पीछे लगा देंगे कुछ इस टाइप से। अब या तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को भी मर्ज कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ऑप्शन पे दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद जैसे लेफ्ट हैंड पे, इसको राइट हैंड पे भी हमें करना है तो इसको कॉपी करके यहाँ पे राइट हैंड पे भी इसको हम लेके आ जाते हैं और इसको यहाँ से कुछ इस टाइप से सेट कर देंगे और इसका भी हम थोड़ा सेंटर पे इसको लेके आ जाएंगे। तो ये सेंटर पे हो चुका है। अब बारी आती है टेक्स्ट की, तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट को जो अपना चैनल नेम है मैं उसको वो लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से अपना चैनल नेम लिख लेता हूँ। और फॉन्ट वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी कि कैसे आप इसमें कस्टम फॉन्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो पिक्सेल ऐप में, तो उसकी वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। अभी मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस टाइप का, ये वाला फॉन्ट है, आप देख सकते हो क्या है, ये वाला फॉन्ट मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद इसका जो स्पेसिंग है मैं उसको 17 कर दूंगा। ठीक है, जो टेक्स्ट स्पेसिंग होता है इसका भी हम ब्लर रेडियस वगैरह फुल कर देंगे शेडो, और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको रिसाइज कर लेना, जो भी आप जैसा भी बड़ा चाहते हो या छोटा चाहते हो। तो इसको मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ और टेक्स्ट को यहाँ पे हम लिखेंगे फॉलो अस, जो हमारे सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह हैं वो वाले हम इसमें डालेंगे। तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने गूगल से डाउनलोड कर रखा था। इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ और इस वाले प्लस वाले आइकन पे वापस से हम आएंगे और यहाँ से मैं जो गैलरी से इसको डाउनलोड कर रखा था वो सोशल मीडिया के आइकन्स PNG है, तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इसका भी कलर ब्लैक, इसको वाइट करेंगे यहाँ से कलर के ऑप्शन पे आने के बाद। तो यहाँ से कलर मैं इसका वाइट ले लेता हूँ और इसको रिसाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप कैसे भी करके यहाँ पे सेट कर सकते हो स्क्रीन पे। अगर मेरे जैसा आप करना चाहते हो बिल्कुल एज इट इज, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, और ये अगर आप चाहते हो कुछ दूसरा डिज़ाइन का टेक्स्ट वगैरह ऐड करना तो वो भी आप कर सकते हो। खैर, अभी मैं कुछ इस टाइप से दिखा रहा हूँ तो आप इस टाइप से इसको अरेंज कर सकते हो। जैसे ये हो जाए तो इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना अल्ट्रा पे। तो इसको मैं पहले तो रिसाइज वगैरह करने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन नज़र आता है 3 डॉट पे, यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज है, इसको हम अल्ट्रा पे सेट कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक नया वापस से लेआउट ले आएंगे, मतलब नया अपना वापस खोल लेंगे प्रोजेक्ट और इसका साइज रखेंगे हम 2560 और 1440 इमेज साइज का रखेंगे। जो हमारा एक्चुअल बैनर लगता है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए वो ये वाला साइज है। इस पर वापस हम इसका कलर ले लेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड का, और कलर लेने का प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर ले लेंगे जो हमने डाउनलोड कर रखा था। ठीक है, ये वाला मैंने बैकग्राउंड है मेरा, तो ये मैं डाउनलोड कर रखा था। इसको लेने के बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको रिसाइज कर सकते हो। मैं इसका थोड़ा सा ओबेसिटी इसका कम कर दूंगा जिससे काफ़ी अच्छा लुक लगेगा देखने में। तो यहाँ से ओबेसिटी इसका मैं कम कर देता हूँ, करीब 50 पे ओबेसिटी कर देता हूँ। और ये करने के बाद प्लस वाला आइकन पे वापस एक और मैं इसको ले आके आ जाऊँगा और इसका थोड़ा सा साइज में इसको कम कर दूंगा कुछ इस टाइप से।
और इसको सेंटर पे लेके आ जाएंगे और इसको पूरा विथ हम फुल कर देंगे। और एक बार इसको सेंटर पे लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे पहले इसका शेडो वगैरह एनेबल कर देते हैं और इसको हम सेंटर पे लेके आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से हम इसको सेंटर पे ले आ जाएंगे। ये एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड बन रहा है अभी। तो ये करने के बाद अब आपको एक और कॉपी ले लेना, इससे थोड़ा सा छोटा इसको कर लेंगे, ठीक है। और इसका कलर हम व्हाइट कर लेंगे जैसे हमने पिछले कुछ इस टाइप पे करा था, तो कलर हम व्हाइट ले लेते हैं। और यहाँ पे प्लस वाले जो आइकन पे हम क्लिक करके जो हमने 80 रखा था करीब, वैसे ही हम इसको साइज को 80 पे रख लेंगे। कुछ कोड ऐसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। और ओके पे प्रेस कर देंगे। अब हम जो हमने इसका एक और चीज़ हमें ये चीज़ सेट करना है, तो प्लस वाले आइकन पे हमें क्लिक करेंगे और एक हम सबसे पहले शेप ले लेंगे व्हाइट कलर का शेप। तो ये इसको फुल कर देंगे पूरे स्क्रीन पे। और इसका भी हम ओबेसिटी इसका थोड़ा सा कम कर देंगे। ओबेसिटी को मैं रखूँगा इसमें 22, ये ना कुछ ऑप्शन है यहाँ पे ओबेसिटी का, और यहाँ पे 22 में इसको रख लेता हूँ, तो जिससे काफ़ी थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी सा लगेगा। और उसके बाद हम जो हमने बैनर बनाया था उसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे, और इसकी विथ को हम पूरा इसको 100% कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा विथ का, तो यहाँ से हम विथ को 100% कर देंगे और इसको सेंटर पे अलाइन कर देंगे जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो। अब इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके या तो यहाँ से इस पर एक्सपोर्ट कर सकते हो, अल्ट्रा पे मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों अगर इसी टाइप की वीडियोस अगर आपको और भी देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।